आप में इतना जो मैच्योरिटी आया है वो कहीं कहीं कहाँ से आ गया, इतना मैच्योर कैसे? माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, वो चैनल पर बताते थे। प्रधानमंत्री जी से कोई ट्वीट वगैरह आया संदेश? नहीं, अभी कुछ नहीं आया, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ आप एक दिन अवश्य बुलाएं। एक दिन अवश्य आप बुलाएं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनसे मिलना चाह रहे हैं। आपका सपना क्या है? सपना यही है कि एक पढ़ लिख कर एक ईमानदार IAS ऑफिसर। IAS क्यों? क्योंकि वही देश के हाथ, गोड़, पैर, आँख, मुंह, कान, सब कुछ नेता वर्ग के भी किया जा तो सकता है। उसी पर तो राज रहता है, डिपेंडेंट, उसी पर तो भारत देश रहता है। देश तो प्रधानमंत्री पर डिपेंड रहता है। देखिए, प्रधानमंत्री अगर IAS पूरा हट जाएंगे तो क्या वो और राज्य सरकार मिलकर चला लेंगे देश को? तो आप IAS बनना चाहते हैं? ये कोई साधारण तैयारी तो है नहीं, इसको तो हम तुच्छ तैयारी, इसको तो हम तुच्छ तैयारी बोलते हैं जी, इसको तो हम तुच्छ तैयारी छोटा मोटा करते हैं। देखिए, मेहनत करिए, मेहनत करिएगा ना तो सब कुछ आसान। पहले मेहनत करने से पहले ना उसको समान बना दीजिए। ए यार, पर तो ऐसे ही खत्म, बस खाली कुछ कुछ ही जान जाइए केवल उसके बारे में, बस चटनी बन जाएगा और कुछ नहीं। अभी तक आपने कितनी की पढ़ाई की है? एकदम पाँचवीं तक की पढ़ाई की, पढ़ रहे हैं। पाँचवीं पढ़ाई आपने कहाँ से? चौथी तक की हम कर ली हैं, पाँचवीं पढ़ रहे हैं। जैसे तो चौथे तक की पढ़ाई आपने कहाँ से की? सरकारी स्कूल से। तीसरे में हम नामांकन करवाए DNR, वहाँ पर फिर प्राप्त नहीं होने के कारण एक साल में हमको छोड़ना पड़ा। तो जिस जिस स्कूल से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस गुरुजी से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, आप उसी गुरुजी को फंसा दिया। आप कहे कि आपको पढ़ाना ही नहीं आता। सच अगर माँ बाप भी गलती करें तो कानून के नज़र में वो भी एक नाइंसाफ है। किसी को हम नहीं बता सकते, कानून के नज़र में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हम ही कानून बताते हैं और हम ही कानून को ख़त्म करेंगे तो किसा लगेगा। आपके पास जो ज्ञान आया वही विद्यालय से आया? ये मोबाइल से आया। मोबाइल? हाँ, उनसे और नरेंद्र मोदी जी से आया। मतलब आप अपना ज्ञान का श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहते हैं? वो अगर चैनल नहीं बनाए होते तो आज हम इस काम पर नहीं पहुंचे। किस चैनल से आप ये लर्निंग करते थे? नरेंद्र, एक था नरेंद्र मोदी चैनल का नाम था, एक था नरेंद्र मोदी ऑफिशियल नोट। अच्छा, ये दो चैनल के जरिए हम तैयार करते। परीक्षा वगैरह पर जो वो मैंने स्पीच देते थे अपना जो है वो ध्यान से सुनते, जैसे देखिए हाँ वो सब सुनते थे, और जो बच्चा उनके पास जाता था हजारों की संख्या में रहते थे, सवाल पूछते थे। आप तो नीतीश जी के पास जो है गए, वहाँ पर जो है आप उन्होंने आपने उनके सामने जा कर के जो है विनती की, आप वहाँ से वायरल भी हो गए। ओके, तो देश का सभी बच्चा जा कर के उनके सामने हाथ जोड़े क्या? देखिए, एक बच्चा आगे चल गया जी, उनसे शिक्षा की गुहार मांग रहा है। सभी बच्चों को शिक्षक आंदोलन करना चाहिए, शिक्षा आंदोलन करना चाहिए। अभी आप आंदोलन करना चाहते हैं या शिक्षा प्राप्त? देखिए, हम अभी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल में अगर सर नहीं सुनते हैं तो फिर उस पर भी हम उतरना चाहेंगे, क्योंकि यार सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, सारा बच्चा का भविष्य उनके हाथ में, और गरीब बच्चा ही बनता है, ऊपर जाता है। राजा के बच्चा वो घमंड में रहता है, समझे ना, वो कभी कुछ नहीं बनता। आप में इतना जो मैच्योरिटी आया है वो कहीं कहीं कहाँ से आ गया, इतना मैच्योर कैसे? माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, वो चैनल पर बताते थे, उनके हिसाब से मैच्योर। वही आपको मैच्योर भी बना दिया? यस यस यस। प्रधानमंत्री जी से कोई ट्वीट वगैरह आया संदेश? नहीं, अभी कुछ नहीं आया, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ आप एक दिन अवश्य बुलाएं। एक दिन अवश्य आप बुलाएं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनसे मिलना चाह रहे हैं। सर, क्या समस्या थी जो मतलब कि आप DMSP के पास जा सकते थे लेकिन आप CM से ही क्यों मिले? क्योंकि उनसे मिलते तो वो जो है अच्छी नहीं करते, उतना जो है नहीं होता, उतना रिस्पॉन्स वो नहीं करते। मिलने के बाद आप तुम कैसा अनुभव करो CM से मिले? बहुत ही अच्छा। एडमिशन अभी तक हो पाया आपका कहीं में? कोई अभी नहीं हो पाया। मिलने के 7 दिन हो गए आपको मुख्यमंत्री जी से मिले हुए? यस, 6-7 दिन। लेकिन फिर भी अभी तक कोई आश्वासन? देखिए, आश्वासन तो अभी नहीं मिला है,
आश्वासन तो मिला था कि एडमिशन इसका करवा दीजिए, लेकिन कहाँ पर वो नहीं बताया था। लेकिन डीटीसी साहब को क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कल कि जो तुम्हारा सिमुरतला में सरकार का राज सरकार का भी पावर नहीं चल सकता है, तुम अभी एंट्रेंस तो सरकार का एक मिनट, हाँ बिहार सरकार का मैंने नहीं चल सकता तो कहला खुलवाए हैं, जब उनका खुद का स्कूल में खुद का पावर नहीं चलेगा। एक मिनट, देखिए ये स्कूल है ना, इसमें प्रक्रिया है कि 28,000 रुपया लेंगे तब जाकर के फीटर कंप्लीट करवा देंगे, हैं? अगर किन्हीं का ये डायरेक्टर साहब को मन है कि उस बच्चे को बिना पैसा लिए ही एडमिशन करवा दो, करवा सकते हैं, ये भी तो भारत सरकार से एफिलिएटेड है ना जी। तो इसमें तो इनका पावर चल गया, अब मुख्यमंत्री हैं जमा की पूरे, इसको भी आप बंद करवा सकते हैं चाहें तो आप वो जरसा सिमुरतला को कहे आप अथी कर सकते हैं, उनमें आपका एक पावर नहीं चलेगा, छोटा सा स्कूल है जो क्या लगता है आप उसका नाम ऊंचा हुआ है, क्या लगता है आपको एडमिशन हो पाएगा? लगता तो है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, वो चाहे तो एडमिशन करवा सकते हैं, नहीं तो फिर तो बहुत सारे लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप नहीं रोक सकते। आज एक सोनू एक नॉर्मल घर से नॉर्मल परिवार से एक एक्टर देश के सबसे बड़े समाज से भी एक्टर सोनू सूद से आपने बात किया, क्या कुछ मिला सोनू सर? उन्होंने बोला कि आप जिस स्कूल में चाहेंगे उस स्कूल में हम एडमिशन करवा देंगे, जिस स्कूल में चाहेंगे ये मतलब सोनू सूद ने आपको आश्वासन दिया।